हेलो एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हमने ऑल टुगेदर चैप्टर नंबर 2 की स्टोरीज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ टर्न योर पेज नंबर 19। थिंक एंड राइट। आई विल रीड यू एंड एक्सप्लेन विथ यू फर्स्ट पैराग्राफ। Various kinds of professionals are connected with each other. Various kinds के professionals होते हैं, जो job professionals में job जो jobber worker names होते हैं वो एक दूसरे से connected होते हैं। They all are connected with each other. Explain giving instance how the following things are united or connected with various professions. अब जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। लुक एट हियर सम एग्जांपल। पोर्ट, फर्स्ट इज पोर्ट। हाउ दे आर कनेक्टेड, वे कैसे कनेक्टेड है। पॉटर, पोर्ट इज कनेक्टेड विद द पॉटर। पोर्टर इज मेक द पोर्ट। पोर्टर जो होता है वो क्या बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं। ओके अब जो पोर्टर जो पोर्ट्स बन के रेडी हो जाते हैं फिर वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ड्राइवर से। ड्राइवर ट्रांसपोर्ट्स द पोर्ट्स। ड्राइवर क्या करते हैं, पोर्ट्स को ट्रांसपोर्ट्स करते हैं बिजनेसमैन से। दे आर कनेक्टेड विद द बिजनेसमैन। और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों और कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं, दे सेल्स द पोर्ट्स इन द मार्केट। वो क्या करते हैं, सेल्स करते हैं पोर्ट को मार्केट में। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मोर एग्जांपल। लुक एट हियर, फर्स्ट इज पोर्ट इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड एग्जांपल इज अवर आइसक्रीम। हाउ दे आर कनेक्टेड, प्रोफेशनल नेम इज आइसक्रीम। हाउ दे आर कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड बाय द कैटरियर। कैटरियर इज कलेक्ट मिल्क। कैटरियर क्या करते हैं, वो मिल्क को कलेक्ट करते हैं। एंड कैटरियर इज कनेक्टेड विद द बिजनेसमैन। दे बायस मिल्क एंड मेक आइसक्रीम्स। वो क्या बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। मिल्क को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, फिर उसकी आइसक्रीम बनाते हैं। एंड दे कनेक्टेड विद द वेंडर्स। वेंडर इज सेल्स आइसक्रीम्स इन द शॉपकीपर। फिर जो वेंडर्स होते हैं वो आइसक्रीम को शॉप पर सेल्स करते हैं। नाउ थर्ड, नेम ऑफ आइटम्स। थर्ड इज द क्लोथ। प्रोफेशनल, हाउ आर दे कनेक्टेड, वे कैसे कनेक्टेड होते हैं। दे आर कनेक्टेड विद द टेलर्स। टेलर इज स्टिचेस क्लोथ। टेलर्स क्या करते हैं, क्लोथ को स्टिचेस करते हैं। स्टिचेस मीन्स सिलाई करना। टेलर आर कनेक्टेड विद द शॉपकीपर्स। दे बाइस एंड सेल क्लोथ। दे बाइस एंड सेल क्लोथ। नाउ वॉशरमैन। वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ। जो वॉशरमैन होते हैं वो क्लोथ को वॉश करते हैं। नाउ लुक एट हियर एक्टिविटी। पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल नेम। आपको डिफरेंट काइंड्स के प्रोफेशनल्स के नेम्स के पिक्चर्स आपको आपके नोट्स में चिपकाने हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ हार्ड वर्ड्स लिखा रही हूँ। लुक एट हियर एंड राइट डाउन इन योर CW नोटबुक 10 हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट इज डाइवर्सिटी। सेकेंड इज मेंटेन। थर्ड इज लैंग्वेज। फोर्थ इज प्रिजर्व। फिफ्थ इज रिगार्डिंग। सिक्स इज एसेंटियल। सेवन इज प्राउड। एट इज कंसिडर्ड। नाइन इज पैशन। पैशन मीन्स एम, जो हमारा एम होता है। टेन इज डिपेंडिंग। दिस ऑल 10 हार्ड वर्ड्स राइट डाउन इन योर CW नोटबुक। हेडिंग इज हार्ड वर्ड चैप्टर नंबर 2
ऑल टुगेदर, उसके बाद आपको हार्ड वर्ड्स की हेडिंग डालनी है और फिर आपको ये 10 हार्ड वर्ड्स आपकी नोट्स में राइट डाउन करने हैं। 10 हार्ड वर्ड्स राइट डाउन करने के आफ्टर आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं प्रोफेशनल्स नेम्स के, किस तरह से आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, जिस तरह से मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है। लुक इट हियर, सेम कॉपीराइट इन योर CW नोटबुक 1, 2 and 3। उसके आफ्टर ये 3 एग्जांपल करने के आफ्टर आपको पिक्चर पेस्ट आउट करने हैं। नाउ ओपन योर पेज नंबर 20 इन योर टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 20 में कुछ पैराग्राफ्स दिए हैं आपको, आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट पैराग्राफ इज मैनी पीपल्स टॉयल्स हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू अस। बहुत से पीपल्स को कुछ हार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड्स की गई है। ऑल वर्ड्स आर इक्वल्स एंड इम्पॉर्टेंट। सारे जो वर्ड्स हैं, जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड्स की जाती है, उसमें जो वर्ड्स हमें वर्क हमें तो दिए जाते हैं, वो सारे इक्वल्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, ज़रूरी होते हैं। नो वर्क इज कंसिडर लो और हाई। कोई भी वर्क छोटा या बड़ा नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, सभी वर्क एक दूसरे के से रिलेटेड होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं विथ ईच अदर। ऑल लिव एंड ईजी लाइफ, ये जो वर्क हमें जो दिए जाते हैं, वो वर्क कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। सारे वर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमारी जो लाइफ होती है जीने की, वो क्या बन जाती है, ईजी बन जाती है। नाउ लुक एट सेकेंड पैराग्राफ। डू वी इवर थिंक अबाउट द टॉयल मेड बाय डंकी। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो पिक्चर्स में डोंकी है, वो किस तरह से टॉयल मेड हार्डवर्क बनाया गया है। पॉटर और हिज हेल्प वाइल ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम द पॉट। जो पॉटर होता है उसकी हेल्प से जो पोट बनाए जाते हैं, ठीक है, जो पोट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर जो ठंडा पानी होता है उसे हम ड्रिंक करते हैं। वी डिड नॉट इवन थिंक्स अबाउट द मे एंड द सेलर ऑफ आइसक्रीम और मिल्क प्रोवाइडेड वाइल ईटिंग इट। वी डिड नॉट इवन थिंक, क्या हमने कभी सोचा है, क्या हम कभी सोच सकते हैं अबाउट द मेकर्स एंड द सेलर ऑफ आइसक्रीम। जो सेलर होते हैं आइसक्रीम के और जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कूलिंग होती है जिसे हम खाते हैं, उसके बारे में कभी आपने सोचा है कि किस तरह से वो हमें प्रोवाइड्स करते हैं। वी शुड आस्क अवर सेल्फ, हम अपने ही आप से अगर पूछे, वेदर वी आर हार्मिंग द नेचर्स, हमें जो नेचर प्रोवाइड किया गया है क्या उसे हम हार्म करते हैं, तो क्या डिफिकल्टीज आती है। वाइल मेकिंग यूज ऑफ द सोर्सेस अवेलेबल टू अस, जो हमें नेचर्स के द्वारा जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड्स की गई हैं, ठीक है, तो क्या कभी हमने उस नेचर्स के बारे में सोचा है कि जो भी सोर्सेस हमें अवेलेबल हैं क्या उसे हमें नुकसान पहुंचाना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, हमें उससे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, की रक्षा करनी चाहिए। एंड प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट, और उससे सावधानी पूर्वक, एनवायरनमेंट द गिवर ऑफ ऑल द नेसेसिटी ऑफ अवर लाइफ्स, जो हमें एनवायरनमेंट्स के प्रति जो भी सुविधाएं मिली हैं, ठीक है, तो उसे हमें सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। इट शुड बी अवर मोरल ड्यूटी, ये क्या है, हमारी मोरल ड्यूटी है, टू हैव अ पैशन ऑफ होमेज फॉर इट। We should have a respectful attitude towards it. इसकी रक्षा करना और इसकी रिस्पेक्ट करना हमारी मोरल ड्यूटी है, इसलिए हमें एनवायरमेंट्स के प्रति कुछ प्रोटेक्टनेस और प्रिजर्वनेस रखनी चाहिए, जिससे हमारा एनवायरमेंट्स हार्मफुल होने से बचे। ओके फ्रेंड्स, नाउ द
दिस ऑल टॉपिक्स आर कंप्लीटेड इन योर चैप्टर नंबर 2. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वर्कबुक में, उसमें हम क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज एंड फिल अप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टे एट योर होम एंड स्टे हैप्पी.